हेलो स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो केमिस्ट्री पोर्शन है साइंस के साइंस का उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसका सबसे पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एवं केमिकल इक्वेशंस। तो हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानेंगे आज कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि 9th क्लास में आपने केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा है। बहुत से केमिकल चेंज होते हैं, जैसे बात कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सेव करेंगे और उसके बदले में हमें ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। तो ये प्रोसेस है वो आपकी कहती है केमिकल चेंज होता है यानी केमिकल रिएक्शन होगी। ऐसी बात करते हैं जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, तो सांस लेने में हम लोग ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। ये भी एक क्या है केमिकल चेंज होता है। जैसे आपने ये सुना है कि जैसे दूध होता है, मिल्क होता है, मिल्क से जब कर्ड बनता है, दही बनता है, तो ये भी एक केमिकल प्रोसेस होती है। और जैसे बात करते हैं जैसे हम लोगों ने एक जो पेपर है, पेपर को जब जलाते हैं, पेपर को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो ये भी जो पेपर है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। कहा जा सकता है कि ये भी एक केमिकल प्रोसेस होती है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन के बारे में बताएंगे कि जब सच प्रोसेस इन विच such process in which the original substances lost their nature and identity, यानी वो है प्रोसेस जिसके अंदर जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है वह अपने नेचर और आइडेंटिटी को खो देता है एंड फॉर्म न्यू केमिकल सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। और एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा जिसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंज फॉर द केमिकल रिएक्शन, यानी वह प्रोसेस जो केमिकल चेंज में यूज की जाती है उसे ही क्या बोलते हैं केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। तो आप लोग समझे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। जैसे कि प्रोसेस से बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है जिसमें जो प्लांट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सेप्ट करेंगे और इसके बदले हमें ऑक्सीजन गैस देती है। तो कह सकते हैं कि ये जो पूरी प्रोसेस है वो एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है जिसे केमिकल प्रोसेस यानी केमिकल रिएक्शन से जाना जाता है। जैसे बहुत से एग्जाम्पल के बारे में जैसे हमने बहुत से एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे भी हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम गिवन इन एयर गिविंग ऑफ वाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी जो मैग्नीशियम रिवन होता है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ठीक किया जाता है, जलाया जाता है, बर्न किया जाता है, तो जिससे हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। जैसे बात करिए आपका टू एम सी, ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, ये आपका ऑक्सीजन है, ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड है आप तो इसका ये व्हाइट पाउडर होगा। यानी कह सकते हैं कि जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की वजह से बर्न किया जाता है तो जिससे हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर मिलेगा। जैसे बात करते हैं यहाँ एक फिगर के द्वारा दिखा सकते हैं, ये आपका बर्नर है, ये आपका मैग्नीशियम मैग्नीशियम रिवन है, ये बहुत खास है, ये अपना चिट्ठी होती है जो सकते हैं पेरेंट टंग होता है। तो कह सकते हैं जैसे आपके ये आपका वर्णन नहीं होता वर्णन है स्प्रिट लैंप का भी कह सकते हैं। जब स्प्रिट लैंप के प्रेजेंस में जब आपका मैग्नीशियम रिबन को जब वाई के प्रेजेंस में एयर के प्रेजेंस में जब जलाया जाता है बर्न किया जाता है जिससे हल्की जो आपके ग्रेनुल्स होते हैं मैग्नीशियम के वो इन्हें बॉश ग्लास में इकट्ठा कर लिया जाता है। और ये बॉश ग्लास है यहाँ पर
इज मैग्नीशियम N0 ये व्हाइट पाउडर होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर आपको मिल जाता है। यानी कह सकते हैं कि जब आपको मैग्नीशियम लेवल को एक स्पीड लाइन पर वाई की प्रेजेंस में एयर की प्रेजेंस में जब वन डी करते हैं तो जिससे आपको जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर आपको मिलेगा। तो ये एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। चलिए दूसरी के एग्जाम्पल के बाद बात करेंगे। यहाँ पर सेकेंड जो एग्जाम्पल है उसमें बताया गया है मिक्सिंग पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन एंड लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन टू गिव ए येलो प्रेसिपिटेट लेड आयोडाइड। यानी कह सकते हैं कि जो आपका पीवीएनओ की लेड नाइट्रेट होता है या आपका लेड नाइट्रेट है ये लेड नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन की बारी बात करेंगे। एक्वस सॉल्यूशन यानी इस तरह का सॉल्यूशन होता है कि जैसे जो उसमें जो सॉल्वेंट होगा सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों होते हैं तो जब सॉल्वेंट अगर उसमें मॉडल है तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन है वो आपका एक्वस सॉल्यूशन कहा जाएगा। ये इधर आपका पोटेशियम आयोडाइड है इसका भी एक्वस सॉल्यूशन है। ये पोटेशियम आयोडाइड है पोटेशियम आयोडाइड और जब लेड नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा जिससे आपको पीवीआईडी यानी पोटेशियम आयोडाइड लेड आयोडाइड यानी कह सकते हैं कि लेड आयोडाइड आपको मिल जाएगा। लेड आयोडाइड का कैसा प्रेसिपिटेट है आपको लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट आपको मिल जाता है और ये आपका इसके साथ साथ आपको पोटेशियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन भी मिलेगा। जैसे यहाँ दिखा सकते हैं एक फिगर के द्वारा इसमें आपका है पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन पीआईओ सॉल्यूशन होगा और ये आपका है लेड नाइट्रेट पीवीएनओ3 कंपाउंड होगा। यानी कह सकते हैं कि जब पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन को जब ये अपन टेस्ट ट्यूब से जब पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो जिससे आपको लेड आयोडाइड का आपको येलो प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। कह सकते हैं यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट देखा जा सकता है कि येलो प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा प्रेसिपिटेट कर सकते हैं ये उसका पीला बच्ची प्राप्त होता है। चलिए अगले एग्जांपल की बात करते हैं। अगला एग्जांपल है रिएक्शन विद जिंक इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिविंग आउट हाइड्रोजन गैस। यानी जब जिंक जो जिंक होता है जब जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाते हैं जिससे आपको हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। जैसे यहाँ दिखाइए जिंक के रेड एंड ये सॉलिड होता है सॉलिड स्टेट में पाया जाता है जिंक और इधर आपका ये एसिड जो है सल्फ्यूरिक एसिड ये कर सकते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक। डाइल्यूट का मतलब होता है कि जैसे कोई भी सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अंदर अगर जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट होते हैं अगर सॉल्यूट की परसेंटेज कम है तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा वो आपका डाइल्यूट होगा। तो कहा जाता है कि जब जिंक के साथ डाइल्यूट सॉल्यूशन डाइल्यूट H2SO4 है जब उसके साथ मिलाएंगे तो आपको ZnSO4 ये क्या मिला आपको जिंक सल्फेट ये आपको मिल जाएगा जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट आपको मिल जाता है यानी जब आपको जिंक Zn को जो आपके जिंक बनाए उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाते हैं इससे आपको ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट मिलेगा। इसके साथ आपको हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त होती है प्लस इस रिएक्शन के अंदर आपको हीट भी मिलेगी यानी हीट आपको मिलती है। इधर मैंने आपको जो हाइड्रोजन गैस का इस तरह का जो एरो दिखाया गया है वो पूरी गैस है इस प्रकार की गैस को इस एरो के द्वारा प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे एक फिगर के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है कि किस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। आपका कॉनिकल ग्लास है उसको कॉनिकल ग्लास बोलते हैं और यहाँ पे इसमें आपका पहले से ही डाइल्यूट H2SO4 पाया जाएगा डाइल्यूट H2SO4 यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है
और जब डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड में हम क्या करते हैं, इसमें जिंक जिंक मिलाते हैं, जिंक जेडन जेडन मिलाएंगे, जिससे आपको क्या मिलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिल गया, ये H2 होगा, H2 ये पॉलीगन फास होता है। यहाँ पे इसमें एक सिस्टम बना होता है जिसके बाद है, जैसे हम इसमें पॉलीगन फास में पहले किया H2SO4 है, और जब हम इसमें जिंक मिलाते हैं तो जब जिंक H2SO4 से रिएक्ट करेगा जिससे आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी, प्लस इसके साथ साथ आपको हीट भी मिल जाती है। चलिए अगले आगे बात करेंगे, अगले जो एग्जाम्पल है वो नंबर का टू डेमोस्ट्रेट द फिनोमेना ऑफ रस्टिंग, यानी जो आपने बहुत सी ऐसी जो लोया दे आयरन देखा है, आयरन का बहुत सी आपने जंग वगैरह देखी है, वो तो जंग लगती है उसके पीछे क्या प्रोसेस है, जिसकी बात करें यहाँ पे एफ क्या है, आयरन है, आयरन वो जब Pb2O2+ XH2 यानी मॉस्ट ईयर होती है, मॉइस्चराइजेशन ईयर होती है, उसके साथ जब रिएक्ट करते हैं आयरन के साथ जिससे आपको क्या मिलेगा, Fe2B+ XH2O, यानी XH2O बोलेंगे हाइड्रेट है। जब आयरन को मॉइस्चराइजेशन के कॉन्टैक्ट में आएगा जिससे जो आयरन है वो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उसको रस्ट कहा जाता है। लेकिन हाँ एक डायग्राम दिखा सकते हैं किस तरह से रिएक्शन होगा, और इसमें आपका जो लोई है वो दिखाई दे रही है, लोई की टेप दिखाई है, ये वाटर हो गया, ये आपका कॉर्क है और ये आपका रस्टेड नेल्स कह सकते हैं। यानी जो रस्टेड नेल्स की बात करेंगे तो आयरन की रॉड होती है वो क्या है, रस्टेड हो जाती है, उनपे क्या होगा, उन पर जंग लग जाता है, क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि जो आपका आयरन है कि जब किसी मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आएगा तो वो क्या होगा, उसमें रस्ट तैयार हो जाती है, यानी वो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के बारे में जाना है कि आपको किस प्रकार से केमिकल रिएक्शन। देखिए अभी स्टूडेंट हमने आपको अभी केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया था, और उसके बाद हम पढ़ते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनकी क्या विशेषता होती है, उनके क्या लक्षण होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो द सम इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उस जो आपके मेन जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात करेंगे द चेंज इन स्टेट्स, यानी चेंज इन स्टेट, यानी बहुत ही केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनके स्टेट में चेंज होता है, लेकिन सम केमिकल रिएक्शन आर चेंज कैरेक्टराइज्ड बाय ए चेंज इन स्टेट, यानी बहुत ही केमिकल रिएक्शन कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी हैं जिनके स्टेट में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात करते हैं व्हेन कैंडल बर्न्स इन एयर इट फॉर्म्स वाटर वेपर व्हिच इज ए लिक्विड, यानी जब आप जो कैंडल होती है कैंडल को जब बर्न करते हैं तो बर्न करने से वाटर वेपर निकलती है, तो वाटर वेपर होती है वो लिक्विड स्टेट में होता है, विच इज ए लिक्विड एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज ए गैस, यानी इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है वो आपका गैस स्टेट में पाया जाता है। वेयर एज द कैंडल इज सॉलिड, लेकिन जो आपका कैंडल है वो सॉलिड स्टेट में होता है, कह सकते हैं कि जब आप कैंडल को बर्न करेंगे तो कैंडल है वो सॉलिड स्टेट है, इसके साथ जो उसके अंदर कन्वर्ट करने पर जो आपका वाटर वेपर निकल रहा है वो आपका गैसीय स्टेट में है, और इसके बाद जो आपका वाटर वेपर है वो आपका लिक्विड स्टेट में, इसके साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस होती है
वो आपका गैस है वो गैसीय स्टेट में ही पाया जाता है। कह सकते हैं चेंज इन स्टेडियम बहुत सी केमिकल रिएक्शन रहती है जिनके स्टेट में चेंज होता है। फिर अगले करेक्टिस्टिक की बात करेंगे चेंज इन द कलर, यानी बहुत सी सम केमिकल रिएक्शन आर करेक्टेड बाई ए चेंज इन द कलर, बहुत सी केमिकल रिएक्शन रहती हैं जिनके कलर में चेंज हो जाता है। जैसे बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल रस्ट इन द ब्राउन इन कलर, वेयर इन द आयरन इज ग्रे ब्लैक इन द कलर। जैसे जो आयरन होता है आयरन पे जिस रस्ट लगने के बाद उसका जो रस्ट का जो कलर है वो ब्राउन कलर का होगा, लेकिन जो आयरन है आयरन का जो कलर होता है वो ग्रे ब्लैक कलर का होता है। तो कह सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन में बहुत सी केमिकल रिएक्शन ऐसी है जिनके कलर में चेंज होता है। जैसे बात करते हैं पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड को जब आपका लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करती है तो आपको लेड आयोडाइड का जो आपका लेड आयोडाइड प्राप्त होता है उसका जो कलर है वो येलो कलर प्राप्त होता है, येलो कलर आपको मिलता है। लेकिन पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ जब रिएक्ट करती है तो दोनों ही कलरलेस होती है। कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में भी आपको चेंजिंग कलर में पाया जाए। अगली बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ द गैस, यानी बहुत सी गैसेस ऐसी होती हैं जिनमें इवोल्यूशन होता है यानी उत्सर्जन पाया जाता है। जैसे बात कर रहे हैं सम केमिकल रिएक्शन ऑफ द करेक्ट वायरस इवोल्यूशन इन द गैस, फॉर एग्जांपल व्हेन जिंक ग्रैनुल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर फॉर्मिंग, यानी जब आप जिंक ग्रैनुल्स को जैसे कहते हैं यहाँ दिखा सकते हैं छोटा सा डायग्राम है, यहाँ पे आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है डाइल्यूट एसिड को, और इसमें जब आपने जिंक ग्रैनुल्स लगाते हैं ये आपका जिंक है, जिंक डाइल्यूट ग्रैनुल्स हैं, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से जो बबल्स हैं आपको बहुत से बबल्स आपको दिखाई देंगे, यानी जो हाइड्रोजन गैस है उसके आपको बबल्स यहाँ पे दिखाई देते हैं हाइड्रोजन गैस के बबल्स। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि ये हमें ये बताया गया चेंज इन इवोल्यूशन ऑफ द गैस, यानी बहुत सी जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें इवोल्यूशन होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि जो अक्सर जिंक ग्रैनुल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाते हैं उसमें हाइड्रोजन के क्या बबल्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले चेंज की बात करेंगे चेंज इन द टेम्परेचर, ये भी आपका बहुत सी सम केमिकल रिएक्शंस का करेक्ट बाई ये चेंज इन द टेम्परेचर, कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनके कैरेक्टर ऑफ टेम्परेचर में चेंज हो जाता है। उनसे बात करते हैं फॉर एग्जांपल व्हेन वाटर इज रिएक्टेड टू सी लाइन द सिलेक्ट लाइन इज फॉर्म एंड इन लॉट ऑफ एनर्जी इज फॉर्म, यानी जब करते हैं क्विक लाइम आपने सुना होगा बिना भुना हुआ चूना है, क्विक लाइम को बिना भुना हुआ चूना कहते हैं। जब इसमें वाटर को ऐड करते हैं वाटर को ऐड करने के बाद क्या होगा COH का ग्रुप आएगा यानी ये स्लैग लाइन बन जाता है, प्लस इसके साथ साथ आपको हीट भी मिलती है, यानी जो आपका जो भी बॉन्ड होता है जब आप उससे अपना हैंड लगाओगे तो आपको गर्म महसूस होता है, क्योंकि जो आपका क्विक लाइन है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा जिससे आपका COH का ग्रुप है स्लैग लाइन यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको मिल जाता है, प्लस इसके साथ साथ आपको हीट भी मिलती है। तो कह सकते हैं कि ये भी एक क्या है चेंज इन द टेम्परेचर। इसके साथ में अभी मैंने आपको बताया था वही एक्टिव जैसे जिंक ग्रैनुल्स होता है, जिंक ग्रैनुल्स को आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिला देंगे तो जिससे आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा प्लस जिंक सल्फेट मिलता है प्लस उनके साथ साथ आपको हीट मिलता है। तो कह सकते हैं वो भी रिएक्शन को कहते हैं वो भी आपका चेंज द टेम्परेचर वाली रिएक्शन होती है। इसके बाद सबसे लास्ट में आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट यानी जो अवक्षय होता है उसका किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है। तो बात करते हैं सब केमिकल रिएक्शन होता है करेक्ट बाई ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कुछ केमिकल रिएक्शन होती हैं जिनमें केमिकल जो प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होता है। जैसे बात कर रहे हैं यहाँ पे यहाँ आपका KI एक्वस सॉल्यूशन है, अभी मैंने आपको इससे पहले ही बता दिया कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, तो वह सॉल्यूशन जिसमें आपका जो सॉल्वेंट है वो आपको वाटर होगा, तो इस प्रकार का सॉल्यूशन क्या होगा एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। तो पोटेशियम आयोडाइड KI मतलब पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन प्लस PNO3 का होल बाई ये आपका लेड नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन है। जब पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन को लेड नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन में मिला दें डिसॉल्व कर दें
जिससे आपको PbI2 यानी लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट आपको मिल जाता है। क्या होता है? येलो प्रेसिपिटेट यानी एक प्रकार का एक गाढ़ा पदार्थ होता है, क्या बच्चे अवच्छेद होता है जो आपको मिलता है PbI2 यानी लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट आपको मिल जाएगा। प्लस इसके साथ 2K3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट का भी आपको एक सोल्यूशन मिलता है। चलिए अगले एग्जाम्पल की बात करें, इनका जिसे NaCl से भी लोग जानते होंगे, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, यानी यहाँ पर जो कॉमन सॉल्ट होता है उसके बारे में बात कर दी। तो सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है। जब सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को AgNO3 सिल्वर डाइऑक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ डिजॉल्व करेंगे तो जिससे आपको AgCl यानी AgCl होता है सिल्वर क्लोराइड। क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाता है। कैसा प्रेसिपिटेट होगा? वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा प्लस NaCl3 साथ आपको सोडियम नाइट्रेट का भी आपको एक सॉल्यूशन मिलता है। इस प्रकार से जो आपको मैंने बहुत से करेक्टरिस्टिक्स बताए हैं वो केमिकल रिएक्शन के होते हैं। क्लियर?